नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। फतेह और तेजू की ये रोमांटिक फोटो देख बौखला गई जैस्मिन ने किया फतेह को फोन, तो फतेह ने किया फोन को इग्नोर। जी हां, उड़ारिया में फतेह पूरी तरीके से जैस्मिन के भंवर जाल में फंस चुका है। फतेह की एक एक चीज पर रहती है जैस्मिन की नजर। ऐसे में जब ये मोमेंट मामी विक के स्टेटस में जैस्मिन ने देखा तो पूरी तरीके से पागल सी हो गई और इसका जवाब मांगने के लिए वो करती है फतेह को फोन। लेकिन आप देख सकते हैं फतेह पूरी तरीके से अवॉइड करता नजर आता है। वो जैस्मिन का फोन नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो जानता है कि फिर उसे कुछ उल्टा सीधा बोलेगी। यहाँ पर उसका दोस्त भी होता है, यानी कि फतेह का दोस्त होता है एकेडमी में, जहाँ वो उसके साथ बातें करता नजर आता है। लेकिन इसके बाद जैस्मिन यही नहीं रुकती, वो फतेह को मैसेज करती है और वो भी धमकी भरे और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन अवॉइड करने की, मैं अकेडमी आ रही हूँ तुमसे मिलने। ये मैसेज पढ़ते ही फतेह फिर से बौखला जाता है और अपने दोस्त को बोलता है मुझे निकलना होगा यहाँ से अभी तुरंत। इसके बाद तुरंत ही धमक जाती है जैस्मिन और काफ़ी उल्टा सीधा बोलती नजर आती है वो फतेह को। पर यहाँ सारी बातें सुन लेता है उसका दोस्त। तो अब सवाल ये भी आ रहा है कि क्या ये दोस्त बताएगा फतेह और जैस्मिन की सारी हकीकत फतेह के घर में, या फतेह अपनी सारी बातें अपने दोस्त को बताएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ ये सारी बातें घर पर नहीं जानी चाहिए। फिलहाल तो फतेह और तेजू का ये मोमेंट देख कर जैस्मिन जिस तरीके से बौखलाई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या है जैस्मिन, क्या है उसकी हरकतें। और जब सब कुछ पता है तो फतेह क्यों जैस्मिन के पीछे बार बार जाता है और क्यों वो तेजू जैसी लड़की से झूठ बोलता है। फिलहाल आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे एक से बढ़कर एक और भी शानदार ट्विस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही।